उन्नाव जिला जेल में निरुद्ध बंदी महिलाओं को सुधारने के लिए जेल प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है। इसके साथ ही जेल में निरुद्ध महिला बंदियों को कई तरह की व्यवसायिक और कौशल में निपुण करने के लिए सरकार द्वारा प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत उन्नाव जिला जेल में गोबर से दिए बनाए जाने का कारा से उजियारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत जेल की महिला बंदी जेल में ही प्रशिक्षण लेकर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 7 प्रकार का डाई के माध्यम से गोबर के दिए बनाने का कार्य कर रही हैं। उन्नाव जिला जेल में चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी की देखरेख में प्रशिक्षण के बाद दिया बनाने का काम किया जा रहा है। इस मुहिम पर मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल का कहना है कि दीपोत्सव के पर्व पर सभी 34 गंगा घाटों पर 25,000 दिए जेल में निरुद्ध महिला बंदियों से बनवाए जा रहे हैं, ताकि महिला बंदियों की आय भी सुनिश्चित कराई जाए। जनपद उन्नाव में पिछले वर्ष एनआरएलएम के तहत जेल में महिलाओं को दिया बनाने का प्रशिक्षण, साथ ही मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्रारंभ कराया गया था। इस पूरे अभियान को कारा से उजियारा नाम हमारे द्वारा दिया गया था। इस पूरे अभियान का एकमात्र उद्देश्य यह है कि जेल में जो भी निरुद्ध हमारे बंदी हैं, उन्हें कुछ कौशलों से प्रशिक्षित भी किया जाए, ताकि वह आने वाला जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें। इसी क्रम में कारा से उजियारा प्रोग्राम महिलाओं को लक्षित करके चलाया जा रहा है विगत वर्ष से। इस वर्ष हमारा पूरा ध्यान इस बात पर है कि जनपद उन्नाव के 34 गंगा घाटों पर दीपोत्सव की योजना है। इन दीपोत्सव में करीब 25,000 दिए हम जेल में जो निरुद्ध हमारे बंदी महिलाएं हैं उनके माध्यम से बनवाएंगे, जिससे उनकी आय भी सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि उन्नाव जिला जेल में एनआरएलएम के माध्यम से जेल में बंद महिला बंदियों को दिया बनाने का प्रशिक्षण कराया गया था। इस पूरे प्रशिक्षण का नाम कारा से उजियारा दिया गया था। इस पूरे कार्यक्रम का एक उद्देश्य था कि जो जेल में निरुद्ध महिला बंदी हैं, उन्हें जेल में रहने के दौरान ही कौशल से निपुण किया जा सके, ताकि जेल से निकलने के बाद अपना जीवन स्वाभिमान के साथ जी सके। इसके लिए जनपद के सभी गंगा घाटों पर दीपोत्सव के कार्यक्रम के लिए दिए जेल की बंदी महिलाओं से बनवाए जाएंगे। इसके साथ ही आने वाले दिनों में इनको मुख्य धारा में लाने और बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। उन्नाव से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।